दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी एमएस वर्ड की फाइलों को मिलाकर एक फाइल कैसे बनाई जाए? दोस्तों, कैसे सारी फाइलों को मर्ज करके एक फाइल में कन्वर्ट किया जाए? यदि ये आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हर एमएस वर्ड चलाने वाले बंदे को ये सारी चीजें आनी चाहिए दोस्तों। और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंतर्गत इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चीजें आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों, अभी आप हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक एमएस वर्ड की फाइल ओपन की हुई है, जो भी आपकी कोई भी फाइल हो सकती है दोस्तों। अब हुआ क्या है कि मेरे पास ऐसी 15-20-25 फाइलें हो सकती हैं, जिन फाइलों को मिला के मुझे एक फाइल बनानी है दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे सबसे पहले उस फाइल को खोल लेना है जिस फाइल को सबसे ऊपर टॉप पे रखना है दोस्तों, और उस फाइल के बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। इसके बाद मुझे उन फाइलों को भी सेट करना पड़ेगा दोस्तों, जिन फाइलों को मुझे मर्ज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 फाइलें और इसके अंतर्गत ऐड करनी है, लेकिन आपको उससे पहले ये तय करना पड़ेगा दोस्तों कि दूसरे नंबर पर कौन सी आनी चाहिए, दूसरे नंबर का पेज कौन सा होना चाहिए, चौथे नंबर का कौन सा होना चाहिए और 5वें नंबर का कौन सा होना चाहिए। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, या तो उन फाइलों को सेलेक्ट करते वक्त उस सिक्वेंस में सेलेक्ट करो जिस सिक्वेंस में आपको उस पेज के अंदर डालनी है, और यदि नहीं तो उन फाइलों का नाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के हिसाब से दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। और मैंने एक नंबर वाली फाइल ओपन की हुई है और बाकी की फाइलें मुझे उस फाइल के अंतर्गत डालनी है दोस्तों। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों, एमएस वर्ड में आ जाना है, बिल्कुल अपने लास्ट में आ जाना है, पहली फाइल के इंसर्ट टैब के अंदर चले जाना है दोस्तों। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का, ये इधर साइड में कोने में ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्म फाइल। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी, आपको वहां पर चले जाना है जहां आपकी फाइलें रखी हुई है दोस्तों। और सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, यदि आपने नंबरिंग की हुई है फाइलों की तो उन फाइलों को नंबरिंग के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करते ही देखिए दोस्तों, मैं एंटर कर रहा हूं और एंटर करते ही क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपने एंटर किया दोस्तों, आप यहां देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम लेगा, कभी कभी ये नॉट रेस्पॉन्डिंग भी चला जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत ये बिल्कुल ठीक कर देगा। और आप यहां देखेंगे दोस्तों कि इसने लगभग लगभग 29 पेज ऐड कर दिए हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चल रहे थे, आप अगर यहां देखें दोस्तों तो 168 क्वेश्चन नंबर हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। और इसने कितने सारे पेज ऐड किए हैं, इनको मैं आपको मल्टीपल पेज के अंदर दिखा दूं अगर आप यहां देखना चाहें तो दोस्तों, और बड़ी आसानी के साथ आप यहां देख सकते हैं कि इसने कितने सारे पेजों को ऐड कर दिया है दोस्तों। जहां मेरे पास एक पेज था, मैंने सारी की सारी 29 पेजों को मिलाकर एक पूरी फाइल बना दी है दोस्तों। इसके बाद आप चाहे तो इसमें एडिटिंग करें, चाहे तो इसको कहीं सेव करें, लेकिन इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं दोस्तों। और यदि आपको कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लगातार आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।